तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं अर्टिगा फेसलिफ्ट VXI CNG में। अब आज की वीडियो में बात करेंगे इसकी एसेसरीज के बारे में, क्योंकि एसेसरीज ये कई लोग जो है शौकीन होते हैं जो है गाड़ी में लगवाने के लिए, जिससे कि क्या है एक थोड़ी सी जो है उनकी जो गाड़ी की लुक है वो आपको थोड़ी अच्छी लगे, प्रीमियम लगे। तो इसमें जो एसेसरीज लगी हैं वो सारी कुछ आपको जो है आज विद कॉस्टिंग के साथ में आपको पता लगने वाली है। सबसे पहले VXI CNG है, इसकी एक्सशोरूम प्राइजिंग आपको 10,44,000 रुपये की देखने को मिलती है। अब पहले से जो अर्टिगा VXI CNG कह सकते हैं 56,000 रुपये महंगी हो चुकी है। पहले जो इसकी प्राइस थी 9,88,000 एक्सशोरूम थी, अब जो है आपको यहाँ पे 10,44,000 हो चुकी है। अब जो है एसेसरीज कौन कौन सी लगी हैं, सबसे पहले इनकी जो प्राइस हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर हैं। तो ये रहती है इसकी पूरी प्राइस, 16 एसेसरीज यहाँ पर टोटल लगी हुई हैं जो कि आप ये देख रहे हैं, और जो इनकी कॉस्टिंग है 51,740 रुपये है प्रॉपर। इतनी सारी एसेसरीज अब इसमें कहाँ कहाँ लगी हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ विद कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आप यहां पर देख लेना एक बार, और एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो पता आपको प्रॉपर लग जाएगा कि अगर आप जो है डीलरशिप या मारुति के जो है शोरूम से लगवाते हैं एसेसरीज तो आपको इतने की आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें VXI CNG में, यहां पर जो है VXI की बात करें तो VXI में फॉग लैंप्स नहीं आते। तो फॉग लैंप्स अगर आप देखें तो उसमें फॉग लैंप्स आपको हैलोजन देखने को मिलेंगे प्रॉपर, इस तरीके से एज अ एसेसरी में एड ऑन हुए हैं, और ये जो है मारुति के आपको देखने को मिलेंगे। यहीं से जो इनकी गारंटी वारंटी सारी कुछ आपको जो है मिलेगी यहाँ पर। तो इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो फॉग लैंप्स जो है आपको यहाँ पर 4200 रुपये के जो है कॉस्टिंग पे आपको जो है दो आपको देखने को मिलेंगे, लेफ्ट और राइट वाले। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं ये फॉग लैंप्स एज अ एसेसरी में एड ऑन हुआ है, और साथ ही साथ जो है फॉग लैंप्स की जो गार्निश है साइड में जो आप ये देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो क्रोम का वर्क है ये एज अ साइड कह सकते हैं क्रोम गार्निश जो कि फॉग लैंप्स के सराउंडिंग में है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वही कह रहा था मैं, जो एसेसरीज कुछ ऐसी होती हैं जो कि प्रीमियम गाड़ी को बना देती हैं। तो ये सारी एसेसरीज जो आप देख रहे हैं ये क्रोम की गार्निश, ये जो है इसकी जो कॉस्टिंग है 1720 रुपये के आसपास, जो दो आपको यहाँ पर साइड लेफ्ट और राइट में देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से रहता है ये जो कि आप ये देख रहे हैं आपको फॉग लैंप्स, और ये भी साइड में जो है गार्निश फॉग लैंप्स की, ये आपको दो एसेसरीज फ्रंट से आपको एड ऑन देखने को मिलती हैं। तो ये थी जो है की एसेसरीज। आप जो है साइड की ओर आएंगे अगर आप, तो साइड में आपको जो है दो तीन एसेसरी एज अ इसमें जो है आपको एड ऑन देखने को मिलेंगी जो कि आप ये देख रहे हैं। और फटाफट से इनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर जो है अगर यहाँ देखें आप, जो साइड में जो है आपको डोर वाइजर देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से, जो है ब्लैक कह सकते हैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट जो है यहाँ पर जो है रेन वाइजर कहें आप इसे या डोर वाइजर कहें, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इनकी जो कॉस्टिंग है 1790 रुपये की है, इस साइड भी आपको जो है प्रॉपर एक दो तीन तीनों विंडो के लिए, और उस साइड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 1790 रुपये की इनकी कॉस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो क्रोम का वर्क है, क्रोम की गार्निश कह सकते हैं आप, या इसे आप जो है कह सकते हैं विंडो फ्रेम भी कह सकते हैं, इसमें विंडो फ्रेम कह रखा है, तो इसमें जो ये आपको जो है 3390 रुपये की आपको देखने को मिल रही है। इस साइड भी आपको देखने को मिलेगी जो कि प्रॉपर एक जो इसकी साइड प्रोफाइल है उसको एक कह सकते हैं प्रीमियम सा जो है यहाँ पर टचअप दे रही है ये, इस तरीके से ये 3390 रुपये की आपको दोनों साइड देखने को मिलेंगी। बाकी आप मारुति से लगाए तो प्रॉपर जनवरी आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी आपको कोई यहाँ पे छुटता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, तो काफ़ी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी ये कुछ था इसकी कॉस्टिंग। अब मैं बात करूँ इसके जो है नीचे जो डोर पे अगर आप देखेंगे, तो डोर पे है आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर अगर नीचे देखें तो आपको जो है यहाँ पर साइड मोल्डिंग देखने को मिलेगी जो कि आपको यहाँ पर 3790 रुपये की ये रहती है साइड मोल्डिंग। ये आपको बॉडी कलर जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर जो है अगर आप ग्रे कलर की लेते हैं या फिर जो है रेड कलर की अर्टिगा लेते हैं तो उसी कलर की देखने को मिलेगी। तो ये आपको कॉस्टिंग इसकी पड़ती है 3790 रुपये की दोनों साइड है ये। अब इसका बेनिफिट क्या रहता है, जैसे अगर आपका जो डोर है बाय चांस कहीं खोलते हैं कहीं टकराता है तो यहाँ पर सबसे पहले साइड मोल्डिंग पर भी आपको जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो जो आपको स्क्रैचेज हैं उससे थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते। तो ये आपको 3790 रुपये की कॉस्टिंग करते हैं। पीछे आप देखें तो डुअल टोन में आपको देखने को मिलना है, ये थोड़ा ग्रे शेड है और ये आपको वाइट देखने को मिलेगा, दोनों साइड आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आपने देख लिया एसेसरीज, आपको यहां पे साइड में तीन एसेसरीज देखने को मिलनी है, साइड विंडो फ्रेम, डोर वाइजर या रेन वाइजर कुछ भी कहें, और आपको साइड मोल्डिंग। इनकी कॉस्टिंग एक बार और देख लेना आप यहाँ पर जो है आपको फ्रंट में आपको मैंने दिखा दी थी। अब रियर सेक्शन में चलते हैं सबसे पहले, तो रियर सेक्शन में आता है जो कि सबसे जो है आपको जो है स्पोर्टी यहाँ पर फील कराता है। तो स्पोर्टी जो है आपको इसमें स्पॉइलर,
क्योंकि स्पॉयलर से ही अर्टिगा की एक अलग ही यहाँ पर जो है आपको लुक देखने को मिलेगी। तो ये रहता है 5000 का स्पॉयलर, प्रॉपर जो है इसके कलर का, कलर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है इसमें, थोड़ा ग्लॉसी ग्लिटर इफेक्ट आपको इसमें मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको स्पॉयलर, जो कि आपको कॉस्टिंग आपको मैंने बता दी, काफ़ी स्पोर्टी लगती है इससे जो है अगर स्पॉयलर लग जाता है गाड़ी में, और साथ ही साथ रूफलेस इसमें नहीं लगी है तो सिर्फ स्पॉयलर लगा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो ये 5000 रुपये का कॉस्टिंग करता है। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्रोम का वर्क थोड़ा और देखने को मिलेगा, जैसे कि ये रहता है इसका जो है नंबर प्लेट गार्निश, जो कि आप कह सकते हैं नंबर प्लेट यहाँ पे लगती है इसकी, तो यहाँ पर जो है आपको क्रोम की गार्निश देखने को मिलेगी। इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो आपको जो है इसकी कॉस्टिंग आपको 1090 रुपये की देखने को मिलती है। तो इस तरीके से रहता है ये, अगर आप लगवाएंगे तो थोड़ा प्रीमियम सा लगेगा, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं या वाकई में नहीं लग रही हैं, अपने अकॉर्डिंग आप जो है इन्हें चूज़ करिए। बाकी अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको जो है रियर बम्पर गार्निश जो कि आपको प्रॉपर देखने को मिलती है 1150 रुपए की, दोनों साइड आपको देखने को मिलेगी इस तरीके की जो है, अगर जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उसके सराउंडिंग में आपको प्रॉपर ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ रहता है, आप ये देख रहे हैं उस साइड भी आपको देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके से रहता है। बाकी यहाँ पे आपने देख लिया रियर में आपको जो है रियर बम्पर गार्निश, नंबर प्लेट गार्निश कह सकते हैं, पीछे आपको जो है स्पॉयलर देखने को मिल रहा है, साइड में आपने देख लिया यहाँ पे आपको रेन वाइजर, डोर वाइजर, साइड आपको विंडो फ्रेम और मड फ्लैप आपको जो है कह सकते हैं मड फ्लैप भी इसमें लगे हुए हैं जो कि आपको मैंने बताए नहीं। तो आपको यहाँ पर मड फ्लैप प्रॉपर या जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि 890 की कॉस्टिंग से जो है यहाँ पर करते हैं। इस तरीके से ये मड फ्लैप आप देख रहे हैं थोड़ा जो है ग्लॉसी इफेक्ट के साथ में आते हैं, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा बन रहा है इसमें। तो ये रहते हैं 890 रुपये के मड फ्लैप। तो ये रहते हैं एक्सटीरियर की एसेसरीज जो कि आपने देखी, साइड से आपने देख लिया। अब इंटीरियर में चलें तो इंटीरियर में जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल, चारों पावर विंडो तो मिली रही हैं, ये सारी तो आपने बेसिक रिव्यू में देखा ही होगा। बाकी हम एसेसरी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो है आप यहाँ पर अगर आप देखें स्टीयरिंग कवर आपको देखने को मिल रहा है जो कि जो है 510 रुपए की कॉस्टिंग करता है। सर ये कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो ये स्टेयरिंग कवर 510 रुपए का आप जो है यहाँ से लगवाएंगे तो आपको कॉस्टिंग करता है। साथ ही साथ सीट कवर जो आप देख रहे हैं, सीट कवरों से जो है गाड़ी काफ़ी जो है कह सकते हैं गाड़ी के जो आपको जो है यहाँ पर जो सीटें हैं काफ़ी चौड़ी चौड़ी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सीट कवर जो है यहाँ पर 11500 के आसपास जो है यहाँ पे कॉस्टिंग करते हैं। तो जिस तरीके से काफ़ी सही भी लग रहे हैं, प्रीमियम टाइप के लग रहे हैं, काफ़ी बड़ी भी सीटें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ से। तो ये रहते हैं 11500 रुपए के, 1100 के नहीं 11500 रुपए के प्रॉपर सीट कवर जो कि इस तरीके से लगे हुए हैं, प्रॉपर आपको इसमें फिटिंग के साथ में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी इसमें जो है एक चीज़ ऐड ऑन, दो तीन चीज़ें ऐड ऑन नहीं है, शायद वो डिलीवरी के टाइम होंगी, जैसे कि परफ्यूम हो गया, टेम्पल हो गया, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है डोर मैट आप जो है देखते हैं यहाँ पर नीचे मैटिंग जो है यहाँ पर ऐड ऑन नहीं है, तो आपको जो है अभी मैटिंग शायद इसमें जो है ऐड ऑन करी जाएंगी, तो जो कि आपको 2090 रुपए की पड़ती है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये प्रॉपर आपको सीटें देख ली आपने, पीछे से भी अगर आपको एक बार दिखाऊं तो फिनिशिंग के साथ में कैसी देखने को मिल रही हैं सीटें, तो सीटों से जो है काफ़ी जो चौड़ी लगने लगती हैं यहाँ पे सीटें, जो कि आप ये देखें इतना अच्छा खासा जो है आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो सीटें कुछ ऐसी रहती हैं 11500 रुपए की प्रॉपर। यहाँ पे एसेसरीज आपको पता लग गई होंगी जो कि अप्रॉक्स, एक बार और दिखा देता हूँ मैं क्या कॉस्टिंग रहती है इनकी, 51700 कुछ की सारी एसेसरीज जो इसमें लगी हुई हैं जो कि आप ये देख रहे हैं। सीट कवर आपने देख लिया 11500 के, साइड मोल्डिंग आपको 3790 रुपए की, ये सारी कॉस्टिंग एक बार और आप देख लेना। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, अगर आप अर्टिगा में जो है सीएनजी जो कह सकते हैं सीएनजी या फिर वीएक्सआई कोई भी ले रहे हैं यहाँ पे अर्टिगा, उसमें एसेसरीज लगवाना चाह रहे हैं तो ये सारी एसेसरीज आपको एज अ एड ऑन देखने को मिलेंगी जो कि आपने देख लिया। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बाकी एसेसरीज जरूरी नहीं है, वैसे तो आपको विद एसेसरीज ही आपको ये मिल पाएगी गाड़ी। और दोस्तों यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।